वेलकम बैक ओल्ड बुक। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी के सेक्शन में इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। जैसे कि आपने इससे पहले की वीडियो देखी होंगी जिसमें कि हमने इंटेलिजेंस के बारे में एक मैराथन चला रहे हैं और सारी इंटेलिजेंस की जितनी भी थ्योरियाँ हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें हमारी ये लास्ट थ्योरी है जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर है और इसको आज हम समझेंगे। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर जाकर उसको जरूर देख लें, क्योंकि पूरी सीरीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि आपके लिए सीटेट में या किसी भी स्टेट से अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि बोलते हैं। और ये 1995 में डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को दिया था और उन्होंने 5 भाग बताए थे। इसके कितने? 5 भाग बताए थे। और ये जो क्वेश्चन है आ चुका है सीटेट में, कई बार पूछा गया है। पिछली बार पूछा गया था कि डेनियल गोलमैन ने मतलब कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस दिया है, उसमें काफ़ी सारे दिए हुए थे। तो अगर आपको थ्योरी पता होगी, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। थ्योरी पता होने के बाद ही आप इसका आंसर दे सकते थे। तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम इसको देख लेते हैं। तो डेनियल जो गोलमैन है उन्होंने 1995 में एक थ्योरी दी जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से जानी गई, और इन्होंने कुल 5 प्रकार बताए। जैसे कि पहला प्रकार है सेल्फ अवेयरनेस और आत्मचेतना, यानी आत्मचेतना हमें अपने भावों को समझते हैं उसमें या समझने का प्रयास करते हैं और उनके प्रति अच्छे निर्णय लेते हैं। यानी सेल्फ अवेयरनेस का मतलब यह है कि मैं अपने बारे में बातों को, अपने आप को समझूंगा कि मैं अपने बारे में जितना भी मतलब डीप है कि मैं क्या हूँ, मेरा गुण क्या है, मेरा नेचर कैसा है, मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं क्या पसंद नहीं करता हूँ, और मुझे क्या चीज़ रुचिकर लगती है, क्या चीज़ नहीं रुचिकर लगती है। तो ये सारी चीज़ें और इन सब के पता होने के बाद ही मैं किसी निर्णय को अच्छे तरीके से ले सकता हूँ। किसके बारे में? अपने लिए, अपने बारे में। नेक्स्ट है आपका 2 मैनेजिंग इमोशंस, यानी संवेगों का जो प्रबंधन है वो किस प्रकार से करें। मानिए कि कोई संस्था चल रही है, सपोज स्कूल की बात ही कर लेते हैं। स्कूल में क्या है, किसी भी संस्था में या स्कूल हो वहाँ पर एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है या मैनेजिंग एक रूम है या मैनेजिंग करने वाला कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है। क्या करता है वो? पूरे स्कूल की व्यवस्था को समझता है या समझाता है और क्या करता है, उसको संभालता है। जितने उसके नीचे काम कर रहे हैं उन सबको क्या करेगा, मैनेज करेगा। वहाँ की जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो इसी प्रकार से बताया कि मैनेजिंग इमोशंस, जो हमारे अंदर इमोशंस हो रहे हैं, जो उथल पुथल चल रही है, इमोशंस हमारे जितने प्रकार के, उनको मैनेज भी करना हमें आना चाहिए। तो ये बताते हैं कि इसमें वह चिंता, क्रोध यानी एंगर हो गया, या चिंता हो गई आपको, या डर है किसी चीज़ का, तो क्या है उनसे निमटने की विधियाँ होती हैं, मतलब उसमें निमटने की प्रोसेस पता होते हैं कि अगर मुझे किसी चीज़ से भय लग रहा है, सपोज मुझे क्या लग रहा है कि मैं परीक्षा में जा रहा हूँ और मुझे उस परीक्षा से डर लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उसकी तैयारी करूँगा, उसकी तैयारी करूँगा, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाऊँगा, या मैं अच्छी तरीके से सेल्फ स्टडी करूँगा और गहन से गहन स्टडी करूँगा जिससे कि मुझे उस एग्ज़ाम से फियर ना लगे। तो ये सारी कुछ विधियाँ होती हैं जिससे कि मैं अपने इमोशंस को काबू पा सकूँ, उनको मैनेज कर सकूँ। नेक्स्ट आपका है सेल्फ मोटिवेशंस। अब बात आ गई मैनेजिंग की और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। मैंने अपने बारे में जान लिया, जो इमोशन थे मैंने उनको क्या करा, संभाल लिया, उनको मैनेज कर लिया। लेकिन अब सेल्फ मोटिवेशन की बात आई कि मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी करूँ। सेल्फ मोटिवेट करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि हम डीमोटिवेट होने लगते हैं। उसकी वजह यह रहती है, या तो हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो ऑलरेडी पहले से डीमोटिवेट हैं, और लोग जो हैं या तो हमें क्या कर रहे हैं, वो डीमोटिवेट करना चाह रहे हैं। तो मेरी राय यही रहेगी, आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो खुद से अपने आप से परेशान हैं, अपने आप से डीमोटिवेट हैं, तो उनके संपर्क में ना जाएं। और ये कोई निर्णय नहीं है कि अगर आपने परीक्षा पास नहीं करी है या उसने 10 बार देने के बाद भी परीक्षा पास नहीं करी तो आप भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबका एक IQ लेवल अलग अलग है, सबका करने का तरीका अलग है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हम लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। तो ये किसी से डिपेंड या कंपेयर तो अपने आप को किसी से ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक है। तो मोटिवेशन में हम क्या करते हैं, इसमें कठिनाई स्तर के बाद, एक कठिनाई स्तर होता है उसके बाद अपने आप को अभी प्रेरित करते हैं कि मतलब जहां तक मेरा लेवल था मैंने वहां तक तो काम किया, लेकिन उसके बाद मुझे कठिनाई लगने लगी और बहुत ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट होने लगा कि यार ये अब शायद नहीं हो पाएगा, तो वहाँ काम स्टार्ट होता है सेल्फ मोटिवेशन का। हम या तो किसी से प्रेरणा लेते हैं या हम किसी को देखते हैं वो कुछ करते हुए, जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती है,
या फिर क्या करते हैं, हम कोई वीडियो देखते हैं, किसी भी प्रकार से हम सेल्फ मोटिवेटेड हो, बस हमारा मेन मुद्दा यही है। नेक्स्ट आपका आता है फोन नंबर, सिंपैथी विद अदर। सिंपैथी दिखाना है दूसरों से सहानुभूति करना, मतलब कि अगर हम लोग क्या हैं, प्राणी हैं, एक ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे के प्रति सिंपैथी होनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में तो फिलहाल ये चीज़ खत्म ही हो चुकी है। जैसे कि जानवर होते हैं तो वो क्या, हम डॉगी, हमारे यहाँ पेट एनिमल डॉगी हम लोग पाल लेते हैं, तो उसके प्रति हमें कितना सहानुभूति रहती है कि उसे चोट ना लग जाए या उसे हम क्या करें, उसे खाने पीने हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से सिंपैथी एक भावना होती है हमारे अंदर, दूसरों की भावनाओं को क्या करते हैं, संवेदनशील होना और उनके सुख दुख को समझना। तो जो व्यक्ति दूसरों के प्रति संवेदनशील रहता है और उनके सुख दुख को समझता है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे अंदर होनी चाहिए। हम एक क्रूर ना बने, हम संवेदनशील बने दूसरों के प्रति, उन्हें अगर दुख है तो हम उनके दुख में उनको सांत्वना दें और उनके प्रति संवेदनशील व्यवहार प्रदर्शित करें। नेक्स्ट आपका आता है गुड लेसन या गुड रिलेटेड मधुर संबंध हम किस प्रकार से मनाएं। मधुर संबंध की बात की जाए तो इसमें दूसरों का सहयोग या मैत्री संबंध, देखिए अगर मधुर संबंध की बात करूं तो हम जितने भी सामाजिक प्राणी हैं, हम लोग कहीं ना कहीं रिश्ते बनाते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो मम्मी पापा ये सब हमारे रिश्तों में होते हैं, फिर हम जब बड़े होते हैं तो हमारे दोस्त बनते हैं, और फिर जब और बड़े होते हैं तो हमारे और गहन रिश्ते बनते चले, मतलब रिश्ते बनते चले जाते हैं। लेकिन उन रिश्तों में क्या है, मैत्री संबंध। और रिश्ते क्यों बनाते हैं, हम एक दूसरे का सहयोग कर सकें, एक दूसरे से हम क्या करें, इंटरेक्ट कर सकें, क्योंकि अकेला व्यक्ति एक जानवर के समान होता है, वो अकेला नहीं रह सकता। जैसे जानवर क्या है, अकेला रहता है, लेकिन वो क्या है, उसके पास कोई इमोशंस वैसे नहीं होते। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग्स के पास अपनी एक स्पीच है बोलने के लिए, समझाने के लिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इमोशंस मतलब रिलेशन, हम रिलेशन जो बनाते हैं, एक तो हम अकेलापन जो है दूर करने के लिए, और अपने आप को सामाजिक प्राणी होने के नाते हम अपने रिलेशंस एक दूसरे से बनाते हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो, या बहन के रूप में हो, भाई के रूप में हो, या फिर बीवी या पत्नी, इन सब के रूप में हो। तो इन सारे रिलेशंस के द्वारा हम अपना जीवन को यापन करते हैं। खाली व्यक्ति या सिंगल व्यक्ति का रहना एक प्रकार से बिल्कुल नामुमकिन है, रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि समाज में रहते जो सिंगल व्यक्ति हैं वो भी रह रहे हैं, लेकिन उनका भी संबंध किसी ना किसी से होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको इस पूरे जीवन में या पूरे इस दुनिया में कि बिल्कुल अकेला हो, जिसका कोई भी नाता किसी से ना हो। तो ये कुछ 5 प्रकार के जो उन्होंने बताए हैं इमोशंस, इंटेलिजेंस इमोशंस के बारे में, तो ये सारे इम्पोर्टेंट थे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर चीज़ देखी जाए तो वो यह है कि डेनियल ने 1995 में दिया था इमोशन इंटेलिजेंस। दूसरी बात, किसने दिया था, डेनियल गोलमैन, पूरा नेम आपको याद रखना है। और संवेगात्मक बुद्धि में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आपको इंटेलिजेंस जो है इमोशन इंटेलिजेंस इंग्लिश में याद करना है। अब यहाँ आते हैं कि आपने ये गार्डनर का देखा होगा, इंटरपर्सनल और सिंपैथी विद अदर। तो दूसरों को समझना जो है, दूसरों को समझना या दूसरों की भावनाओं को समझना क्या है, सिंपैथी विद अदर, ये कुछ इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है। तो इसलिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के मतलब कि इक्वल कह सकते हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन की बना के कि भाई इसका अगर दे रहे एग्जाम्पल और ये किससे को रिलेट कर रहा है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। दूसरी बात आती है कि इनकी जो बुक है, एक बुक है इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, डेनियल गोलमैन जो है उनकी एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका नाम यही है और आपको ये पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सेक्शन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। Please like, subscribe, and share.